पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया के तहत बड़ा कदम, दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उग्रवादी संगठन उल्फा के साथ शांति समझौता। अमित शाह ने बताया असम के भविष्य के लिए सुनहरा दिन। नीतीश कुमार बने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से समझौते के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। तब होगी जब राष्ट्रीय परिषद सारे प्रस्तावों को पास करे। दोबारा से नीतीश जी आएंगे बैठक में शामिल होने, वो तो सर्वत्र है। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या में सीएम योगी, तैयारियों का लिया जायजा। 30 दिसंबर को पीएम अयोध्या को देंगे कई बड़ी सौगात, पूरे अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री करेंगे नए एयरपोर्ट का उद्घाटन। इस वक्त हम धर्मपथ पर हैं और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो की शुरुआत होगी और ये जो रोड शो है इसी रास्ते से धर्मपथ से होकर जाएगा। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचतान, ममता बनर्जी ने इशारों में गठबंधन के साथियों को दिया संदेश। बोली बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को सिखा सकती है सबक। जल्द ही सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां और वित्त मंत्रालय मिलकर 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से घटा सकते हैं दाम। भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले, 5 में 3 कोरोना मरीज एक ही परिवार के। देश भर में एक दिन में 702 नए मामले सामने आए। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बन चुके हैं। ये अहम खबर, जेडीयू कार्यकारिणी के बाद राष्ट्रीय परिषद ने भी अब नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। जेडीयू के अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये कहा कि हमने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो देश भर में जातीय जनगणना, महिलाओं के सशक्तिकरण और युवाओं का मुद्दा उठाएंगे। तो ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वैसे भी यही लग रहा था कि अब तो औपचारिक ऐलान पर बचा रह गया। मीडिया तो 2 दिन से लगातार ये कह रहा था कि ये मात्र औपचारिक बैठक नहीं है, जैसा कि नीतीश कुमार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था। और फिर ललन सिंह का इस्तीफा और उसके बाद नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन चुके हैं।